टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मियां बीवी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कल्याण में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ मारपीट की, उसका मोबाइल फ़ोन छीना और यही नहीं उसका ऑटो रिक्शा भी छीन कर ये लोग फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि मियां बीवी दोनों अंबरनाथ से रिक्शा चालक जावेद शेख से किराए पर रिक्शा लिए और रात का समय होने की वजह से एक सुनसान जगह पर इन लोगों ने रिक्शा रुकाया और तभी वहां पर पहले से ही मौजूद ये मियां बीवी के जान पहचान वाले 3 लोग और वहां पहुंच गए और ये 5 लोगों ने मिलकर रिक्शा ड्राइवर जावेद के साथ मारपीट की, मोबाइल छीन लिया और रिक्शा भी छीन कर फरार हो गए। जिसके बाद रिक्शा ड्राइवर जावेद ने इसकी शिकायत कल्याण कुलसेवाड़ी पुलिस में की और CCTV के आधार पर कुलसेवाड़ी पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अंबरनाथ पश्चिम येथील रिक्शा चालक जावेद अब्दुल करीम शेख हा अंबरनाथ पश्चिम येथे असताना त्याला एक मुलगा व मुलगी त्या ठिकाणी भेटली व त्यांना कुठे कुठेतरी जायचं आहे उल्हासनगरमध्ये असं म्हणून ते रिक्षामध्ये बसले। ते बसल्यानंतर त्यांचा प्रवास त्या ठिकाणी शिवचौक, कैलास कॉलनी, सर्वानंद हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, विठ्ठलवाडी रेल्वे स्टेशन, आनंदवाडी, कल्याणपूर या ठिकाणी आले। त्या ठिकाणी ड वार्डच्या सुनसान जागी त्यांनी जायचं निश्चित केलं। त्या ठिकाणी वाटेमध्ये तिथं इतर दोघं व तिघं बसले, दोन ते तीन जण बसले, असे 5 जण त्या ठिकाणी घेऊन त्याला त्या ठिकाणी ड वार्डमध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी दारू वगैरे पिले आणि त्यानंतर त्या रिक्षा चालकाला त्यांनी दांडक्यानं मारहाण करून त्याच्या ताब्यातील रिक्षा व काही वस्तू रक्कम घेऊन ते फरार झालेले होते। त्याच्या अनुषंगानं काल याबाबतचा गुन्हा कोळशेवाडी पोलीस स्टेशनला भादवी कलम 397 Section 34 यानुसार दाखल झालेला होता। त्यानंतर ह्या सर्व बाबतीची माहिती आम्हा सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळाल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी विविध टीम्स आम्ही त्या ठिकाणी तयार केलेल्या आहेत। त्याच्यातील जे मुख्य आरोपी आहेत त्यातील 4 आरोपी या ठिकाणी ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। दुसरा जो 5वा आरोपी आहे त्याचाही शोध सुरू आहे। विविध पथकं त्यासाठी कार्यरत आहेत आणि पुढील तपास चालू आहे।